गाइस, आज से कुछ महीने पहले जब सलार मूवी ओटीटी पे स्ट्रीमिंग होने जा रही थी, हिंदी वर्सन हॉटस्टार पे, तो उस टाइम पे हमें एक पॉडकास्ट वीडियो देखने को मिला था, सूरज कुमार और शान पारासर का। उस वीडियो पे दोनों डार्लिंग प्रभास की बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, सलार मूवी की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कर रहे थे और अपने थंबनेल पे भी लॉटरी स्टार प्रभास कुछ ऐसा लिख दिए थे। उसके बाद हम उन दोनों के ऊपर रिएक्शन भी डाले थे, कई सारे जीव के ऊपर खुलासा किया था, दोनों को प्रभास के हेटर्स भी बुलाए थे। उनकी कई सारे वीडियो को उठा करके लाए थे, कई सारे वीडियो के ऊपर अब रिएक्शन भी दिए थे कि ये लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ऐसे करके दोनों को प्रभास का हेटर्स ही बोले थे। लेकिन गाइस, आज जो हुआ ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। गाइस, मैं ऐसा नहीं सोचा था। सूरज कुमार जो काम करके दिखाए ना, सच में सूरज कुमार को अगर उस टाइम पे मैं गाली दे सकता हूँ तो अभी दिल से अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ। लिटरली ये होना था। एक्चुअली कल की 2008 AD मूवी की ट्रेलर का रिएक्शन, ट्रेलर का रिव्यू जो है शान परासर का, मैंने देखा, काफ़ी टाइम पहले देख चुका था, मतलब दोपहर से, और वो बिल्कुल सलार के माफी है। जीरो पॉजिटिविटी गाइस, पूरा का पूरा नेगेटिविटी। मतलब कल की 2008 AD मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है उसके हिसाब से, ना तो डबिंग अच्छा है, और बहुत सारे डबिंग, मतलब डबिंग को लेकर के वो बोल रहा था कि मतलब सारे के सारे एक्टर जो हैं, अमिताभ बच्चन सर, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, डार्लिंग प्रभास भी, कमल हसन सर भी, सबके सब हर एक लैंग्वेज में खुद बोल रहे हैं, मतलब हिंदी में, तेलुगु में खुद बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि डबिंग मैच नहीं हो रहा है। छोड़ो, वो नेगेटिविटी क्या क्या करा था मैं उसका मुंह नहीं गिराऊंगा। वो बस ये बोल रहा था कि हॉलीवुड मूवी के साथ कंपेयर कर रहा था, हॉलीवुड मूवी का कॉपी बोल रहा था, और ऐसे करके पूरा का पूरा रिव्यू नेगेटिव दिया है। ठीक है, और वो वीडियो का, वो नेगेटिव रिव्यू का मैं रिएक्शन देना चाहता था। मुझे बहुत सारे भाई लोग भी कमेंट कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो, इसको कुछ बोलो। लेकिन गाइस, मैं सोचा अगर मैं वीडियो बनाऊंगा भी तो मेरा वीडियो कितना व्यूज जाएगा गाइस, कितने लोगों के पास जाएगा, 5 से 10 हज़ार, 5 हज़ार कम से कम जाएगा, तो मैं क्यों बनाऊं इस तरह का वीडियो। चलो मैं फिल्म के बारे में ही बात करता हूँ, और मैंने अवॉइड कर दिया था क्योंकि पूरा का पूरा अभी यूट्यूब कम्युनिटी जो है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, छोटे छोटे यूट्यूबर, सबके सब अभी कल की 2008 AD मूवी का सपोर्ट ही कर रहे हैं। सब लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिटेल्स निकाल करके वीडियो बना रहे हैं जो कि फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है, और सब लोग इंडियन सिनेमा की, कल की 2008 AD मूवी की, सबका सपोर्ट कर रहे हैं। बस कुछ गिने चुने यूट्यूबर हैं जैसे शान परासर, प्रतीक बरोड़े, ये लोग बरोड़े हैं क्या, छोड़ो, ओके, तो ये लोग ना भाई नेगेटिविटी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई दो चार लोग नेगेटिविटी करेंगे, और पूरा का पूरा सभी लोगों को अगर फिल्म पसंद आ रही है, ट्रेलर पसंद आ रही है, तो इन लोगों का औकात ही पता चलेगा कि ये लोग क्या है। शान परासर जिस तरह का रिव्यू दिया है उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, मतलब जीरो, मतलब ऐसा ट्रेलर है ये कि मतलब जीरो पॉजिटिविटी। तो उस चीज का अभी सूरज कुमार रिएक्शन दिया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे दिल को भाया। मेरे भाई सूरज कुमार हालांकि वहां पे नाम नहीं लिया, ना तो शान परासर, ना प्रतीक बरोड़े, कुछ कुछ को नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो जो चीज के ऊपर बताया ना, जिस तरह से बात करा, मतलब जो हॉलीवुड मूवी के साथ कंपेयर करके फिल्म की नेगेटिविटी किया जा रहा है, जैसे शान पर असर कर रहा है, तो वो चीज को लेकर के सूरज कुमार कहता है कि जैसे कि मैं भी कई सारी वीडियो में बोला हूं कि हॉलीवुड की फिल्में जो है 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ में बनती है, और कल की 2008 AD मूवी जो वो 600 करोड़ में बनी हुई है, तो कंपेरिजन कैसा। उसके साथ साथ सूरज कुमार कहता है कि जो कॉपी कॉपी वाली बात कर रहे हो ये भी क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें क्यों हो रहा है, मतलब उसके ऊपर भी वो आवाज उठाया है। और वो मतलब और एक चीज कहा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा दोस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, कि वो कहता है कि मैं प्रभास का हेटर नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं प्रभास का हेटर होता भी तो प्रभास के नाम पे इस तरह की फिल्म को मैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाता, इस तरह की फिल्म को मैं कभी भी नहीं नकारता, क्योंकि ये इंडियन सिनेमा की शान है, हमारे इंडियन सिनेमा आगे लेकर के जा सकता है, हमारे इंडियन सिनेमा की शान बढ़ा सकता है। तो वो बात जो किया ना भाई, मेरा दिल छू लिया, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम पे अगर हम उसको गालियां भी दे सकते हैं तो इस अभी उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। भाई वो क्या बोला है, कौन सी यूट्यूबर को, मतलब किस तरह का रिएक्शन दिया है, क्या बोला है, वो तो ठीक है, लेकिन गाइस मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा, अगर मैं वीडियो बनाता तो 5 हज़ार व्यूज जाता, लेकिन सूरज कुमार अभी वो वीडियो बनाया है, वो आवाज उठाया है, तो भाई 5 लाख व्यूज जाएगा, तो लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये जो प्रतीक बरोड़े, ये शान परासर जैसे नेगेटिव रिव्यूअर जो लोग भी है ना, जिस तरह की मतलब जानबूझ करके इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, जबरदस्ती का नेगेटिविटी फैला रहे हैं, भाई इन लोगों के ऊपर करारा तमाचा पड़ेगा, इन लोगों की औकात जो है लोग जान सकेंगे, ठीक है ना। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ठीक है ना, मैं यहाँ पे सूरज कुमार का एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ावा ये सारा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई जो चीज मैं करना चाहता था वो सूरज कुमार किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं किया, मैं करता तो ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो किया तो सबसे सबके पास पहुंचेगा, लोगों के पास पहुंचेगा और उन लोगों का औकात पता चलेगा। और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था दोस्त। ओके, वैसे भी सूरज कुमार जब से कल की 2080 मूवी का वीडियो बनाया है, मतलब रीज गया है। ऐसा नहीं है कि डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग जो हैं मतलब उसको अवॉइड करे हैं, इग्नोर करे हैं, उसकी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वो फिल्म के बारे में बात करके भी व्यूज ले सकता था, कमाई कर सकता था। लेकिन इस तरह की आवाज उठाना भाई, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि शान पर असर इस तरह की यूट्यूबर लोगों को डायरेक्ट वो तमाचा दिया है, बिल्कुल वैसा वाला बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्त। ओके, और ये अप्रिसिएट वाली बात है। इसी वजह से एंड ऑफ दिस वीडियो में बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो के चलते, इस वीडियो ने दिल छू लिया, आप जा करके सूरज कुमार का 1 मिलियन पूरा कर दो भाई, ठीक है ना। और शान परासर भाई यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे 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 घटिया यूट्यूबर है।